अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको साथ में शेयर करने वाली हूँ रोबस्टा लेमन शरबत की रेसिपी। बहुत ही यम्मी और मज़ेदार हमारे ये शरबत बनके तैयार होता है, तो आप इसे एक दफ़ा ज़रूर से ट्राई करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। लेकिन मेरी हमर रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल रूबीज कुकिंग पैशन को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आइए हम देख लेते हैं हमें रोबस्टा लेमन शरबत बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होगी। सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक बड़ा सा बोल, और इसमें हम डाल देंगे सब्ज़ा। मैंने ये हाफ़ टेबल स्पून सब्ज़ा लिया है और थोड़े से पानी में हमने भिगा के रख दिया था तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। तो सब्ज़ा अपनी साइज़ से ये डबल हो गया, इसकी डबल क्वांटिटी हो गई है। और शक्कर डाल देंगे तकरीबन 1 कप, अगर हम मेजर करेंगे तो हमने 100 ग्राम ये शक्कर लिए। और अब इसमें हम डाल देंगे पानी, तो मैंने इसमें नॉर्मल पानी का यूज़ किया है, नॉर्मल पानी डाल देंगे। इसमें हमने सब्ज़ी का भी यूज़ किया है, सब्ज़ी की तासीर ठंडी होती है और इसका गर्मियों में ज़्यादा यूज़ होता है। तो अभी हम अच्छे से घोल लेंगे जब तक हमारी शक्कर मिक्स नहीं हो जाती पानी में, जब तक हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और उसके बाद इसमें हम ऐड करने वाले हैं रोबस्टा। रोबस्टा हम डालेंगे तकरीबन इसमें 1/2 कप। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा इसमें रोबस्टा का यूज़ करते हो तो इससे क्या होता है, हमारे शरबत का कलर बहुत अच्छा आता है। तकरीबन हमने 1/2 कप इसमें रोबस्टा ऐड कर दिया। अब अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब ये रोबस्टा लेमन शरबत है तो इसमें हम लेमन भी डाल देंगे। तकरीबन मैंने 1/2 कप ये फ्रेश लेमन लिया है और इस तरह से हम जूस निकाल के डाल देंगे शरबत में। बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप इस तरह से एक दफ़ा ज़रूर से ट्राई करें रोबस्टा लेमन शरबत। और लेमन के बाद अब इसमें हम ऐड करने वाले हैं आइस क्यूब्स। इसी के बाद हम डाल देंगे इसमें पुदीने के पत्ते। तो इस तरह से हमारा ये शरबत बनके रेडी हो गया है। बहुत यम्मी हमारा शरबत बनके रेडी हुआ है और बहुत कम टाइम में ये बनके तैयार हो जाता है। अभी इसे हम सर्व करेंगे शरबत को। तो मैंने यहाँ पे ये 2 गिलास लिए, दोनों गिलासों में हम सर्व कर लेंगे। ऊपर से इसमें हम थोड़ा सा और आइस क्यूब्स डाल देंगे। बहुत यम्मी डिलीशियस हमारा ये लेमन रोबस्टा शरबत बनके रेडी हो गया है। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी। ऊपर से हम इसमें लेमन डाल देंगे, इस तरह से इसे हम गार्निशिंग करेंगे। तो यम्मी डिलीशियस हमारा ये शरबत बनके रेडी हो गया। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। फैमिली फ्रेंड के साथ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और कॉमेंट करके मुझे ज़रूर से बताएँ आपका रोबस्टा लेमन शरबत कैसा बना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।